अंकल आज हम लोग एरोकॉन का स्मार्ट पुट लगाने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले प्लास्टर के ऊपर इसके बाद प्लास्टर के ऊपर पानी से तराई करना बहुत जरूरी है, इससे कि डस्ट वगैरह जो भी प्लास्टर पे है वो निकल जाएगा। और तराई करके 5 मिनट के लिए सर पानी डालो, पानी में बाद में पानी में मिक्स करना पानी लगभग 30% अंदाजे से लगभग 30% पानी डालना है इसमें, और फिर इसमें मिक्सिंग करना है। अच्छे से मिक्स करना है, इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है, इसमें कोई लेंस न रहे। ये मिक्स होना है, मिक्स करना है, ये देखिए अब ये मिक्स हो गया है पूरा, इसके अंदर कोई लेंस या गांठ नहीं होनी चाहिए। मिक्सिंग के बाद में 5 मिनट का वेट करो, उसके बाद में इसको लगाना शुरू करो, दोबारा मिक्स करो, दोबारा मिक्स दोबारा से। अब 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं दोबारा से मिक्सिंग कर रहा हूँ इसकी। बोल भाई तू कैसे लगाना है, फर्स्ट कोट कैसे लगाना है बता। ना है कि पानी दीवार पे पानी सोख लिया होगा और इसके बाद में इसका फर्स्ट कोट लगाएंगे। इसको पूरा कर देता पहले कवर। फर्स्ट कोट में लगभग 1 mm की पुट्टी लगती है, फर्स्ट कोट में लगभग 1 से 1.5 mm पुट्टी का कोट होता है। फर्स्ट कोट पूरा हुआ, अभी इसका वेट करना है, ये सूखने के बाद इसका दूसरा कोट स्टार्ट करें, कम से कम 2.5-3 घंटे इसको सूखने दो, उसके बाद में इसका दूसरा कोट लगाना है। सेकंड कोट के लिए दोबारा बनाने के लिए अब हम सेकंड कोट के लिए दोबारा पुट्टी बना रहे हैं, और इसके लिए हमें 10% एक्स्ट्रा पानी लेना होगा, इसमें हमें क्लीन पूरा क्लीन आएगा हमारा, ये पुट्टी जो है पूरा क्लीन होगा। अब हमारी ये पुट्टी सूख गई है, इसको 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसकी दूसरा कोट लगाना स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारा दूसरा कोट कंप्लीट हो चुका है, और पुट्टी का जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छा है,
बोरे को देख, बोरे को भैया। अब ये हमारा दूसरा कोट पूरा हो चुका है और सूखने के बाद पेंटिंग के लिए तैयार है।